दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। कोई काम, सपने, छोटा या बड़ा, संभव और असंभव नहीं होता, बस आपको इच्छा, ईमानदारी और प्रेरणा उस काम को करने के लिए होनी चाहिए। ये कहना है पश्चिम बंगाल के उस युवक का जो साइकिल रिक्शा पर 8000 किलोमीटर के सफर पर लेह लद्दाख के लिए निकला था। युवक विक्रम राज 50 दिन के सफर के बाद मंडी जिला के डहर पहुँचे। यात्रा पूरी होने के बाद युवक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाएगा। आप भी सुने क्या कहना है इस युवक का। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम विक्रम हुआ, विक्रम राज। मैं पश्चिम बंगाल आसनसोल के शहर से चला हूँ, 26 मार्च को चला हूँ। आज हमें चलते चलते 50 दिन पूरे हुए हैं और अभी यहाँ से मनाली वाले रास्ते से जाऊँगा लेह लद्दाख। लेह लद्दाख से होते हुए आपका कश्मीर, कश्मीर होते हुए माता वैष्णो देवी जाऊँगा, वहाँ पर हमारा यात्रा समाप्त होगा। और उसके बाद अगर साइकिल हमारा ठीक रहा, हमारा थार अगर ठीक रहा, तो मैं फिर उसी से ही पैदल मतलब जाऊँगा फिर से अपने घर की तरफ। टोटल 8000 किलोमीटर का जर्नी है मनाली के रास्ते से लद्दाख की तरफ। आज तक कोई भी रिक्शा लेकर के, तीन पहियों वाला लेकर के नहीं गया है। अगर ये चढ़ेंगे तो अपना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम होगा और सेफ ड्राइव सेफ लाइफ को प्रमोट करते हुए अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जन जन तक, लोगों तक, ग्राउंड लेवल से लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि वाहन जब भी चलाएं, आपसे अगर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं और टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट का यूज करें, जान बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो अब कितने दिन हो गए आपको सफर करते हैं? हमारा 50 दिन हो गया है कंप्लीट, अभी और हमारा लगभग जम्मू तक लगभग 50 दिन और लगेंगे, 70 दिन मान के चलिए। अभी कितना किलोमीटर सफर तय कर लिया है आपने? लगभग 1800 किलोमीटर का ट्रैवल हम कर चुके हैं, क्योंकि अगर गूगल मैप में आप देखेंगे तो आपको ये 1400-1500 ही दिखेगा, लेकिन हमारा जर्नी घूमते हुए आया है, मेरठ होते हुए उधर के रास्ते से मैं आया हूँ, ठीक है। तो 18 किलोमीटर का ये जर्नी हुआ, अभी हमारा 1500 किलोमीटर का जर्नी अभी और पेंडिंग है, तो आने वाले 70 दिनों में ये 1500 किलोमीटर का जर्नी को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो ऐसा क्या आपके मन में बात आई कि मैं रिक्शा लेकर ही इस जर्नी पे निकलूं? ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए है। पिछले 3 साल से इस ट्रिप को मैं प्लान कर रहा था, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जैसे कि नक्शा बनाना, क्योंकि रोड मैपिंग करना होगा, हर जगह नेट गूगल मैप अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ तक तो हो जाता है, आगे लद्दाख में पहाड़ी एरिया में नेटवर्क नहीं रहता है, तो मैपिंग करना, छोटा छोटा चीज़ को तैयारी करना, ये सब करते करते मुझे 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा था मेंटली एंड फिजिकली, तो अभी इसी चीज़ को लेकर के चल रहा हूँ। 3 पहिए से मैं चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ एक लोगों को एक अच्छा मैसेज दे पाऊँ, ये सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का प्रमोट के लिए। हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है किलोमीटर ब्लॉग, आप सर्च मारेंगे तो इस जर्नी का पूरा डिटेल्स, स्टार्टिंग से लेकर अब तक का और अभी आने वाले जो भी जर्नी होने वाली है, सारा डिटेल्स आपको चैनल के ऊपर में मिलेगा। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र हो गई 28 साल। तो जैसे आप रिक्शा लेकर घर से निकले हुए हैं, 50 दिन आपने बोल दिए, तो कैसी कैसी मुश्किलात रास्ते में आती है, रहते रहने की, खाने पीने की, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे रहते हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली विचार अब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब जैसे हाथ की 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, वैसे हर जगह में लोग एक जैसे नहीं होते, कोई अच्छा सोचते हैं, कोई बुरा सोचते हैं। तो अब तक का सफ़र में, 50 दिन का सफ़र में अभी तक तो कोई हमारे संग ऐसा बुरा हुआ नहीं है, माता रानी की कृपा से आगे ना हो, ठीक है। खाने पीने का जो जुगाड़ रखते हैं, इसमें अपना सुबह का ब्रेकफास्ट सत्तू वगैरह कुछ भी छोटा मोटा सामान रखते हैं, दिन भर चलते हैं, दोपहर में यही सब खाते हैं और रात में ढाबा पे लाइन होटल में रुकते हैं, जो हाईवे किनारे लाइन होटल होते हैं उस पर रुकते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट में, या फिर पेट्रोल पंप में, या फिर किसी मंदिर गुरुद्वारा में अगर देख करके रुकते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र है और हमारा बजट बहुत कम है। अगर हर दिन होटल लेंगे हम तो हमारा बजट बहुत हाई हो जाएगा, उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस तरीके से ही अभी अपना जर्नी चल रहा है। तो रात को रिक्शा में ही सो जाते हैं फिर? रात में रिक्शा में नहीं सोते हैं, इसके लिए अपना एक अलग से टेंट वगैरह रखे हैं, तंबू जो होता है, यहाँ पे तंबू कहते हैं, टेंट रखे हैं, टेंट के अंदर में सोते हैं, अपना रिक्शा को लॉक कर देते हैं रिक्शा के बगल में या फिर रिक्शा के नीचे ही अपना सेटअप लगा के सो लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो हिमाचल आने पे कैसा अनुभव लगा आपको? कितने दिनों से हिमाचल में? हिमाचल में अभी हमारा लगभग 1 हफ्ता हो चुका है और जब से हिमाचल एंटर किए हैं तब से हिमाचल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ के लोगों का, यहाँ के पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। खाने पीने का दिक्कत नहीं होता है, कहीं पे भी रुक जाते हैं, हाईवे किनारे, रोड के किनारे, किसी भी घर से पानी ले लेते हैं, खाना मिल जाता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं होता। और जैसे कि यहाँ पे इतना लंबा सफ़र तय करके आए, यहाँ टीटा फूड ऑफ किंगडम में
यहाँ रुके पिछले 4-5 दिन से, हमारा सेहत भी ख़राब हो गया था। तो यहाँ के जो ऑनर है मिस्टर रमेश ठाकुर, प्यार से सबको इसको टीटा पाजी कहते हैं, हम भी उनको ऐसे ही बुलाते हैं। तो उन्होंने मेरा बहुत सारा ध्यान रखा यहाँ पे, जब मेरी सेहत ख़राब हो गई थी तो उन्होंने मुझे यहाँ पे थोड़ा देख रेख किया और अभी पूरी तरीके से फिट है और आज अपना सफ़र को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने टोटल कितनी जर्नी रहेगी, कितने किलोमीटर्स की रहेगी, कितने दिन, एक बार फिर से आप दर्शकों को ज़रूर बताएं। अच्छा, अभी हमारा जर्नी लगभग 50 दिनों का हो चुका है, लगभग 1800 किलोमीटर का जर्नी हम कर चुके हैं। अभी यहाँ से लेह लद्दाख अप्रॉक्स 600 किलोमीटर है और फिर लेह लद्दाख से आपका माता वैष्णो देवी अप्रॉक्स 600 किलोमीटर है, ठीक है। तो 6×12 और उधर में आपका और 100-200 किलोमीटर मैच कर लेंगे, क्योंकि हमको लद्दाख का सर्किट करना है, जिसमें हम खारदुंगला पास, पेंगोंग लेक, तुरतुक, टैक्सी डिस्ट्रिक्ट हुंडर, तुरतुक तक जाएंगे, ठीक है। और इधर में आपका खारदुंगला तक जाएंगे और इस साइड में आपका ये आपका पेंगोंग लेक तक जाएंगे। तो उसमें भी हमारा 200-400 किलोमीटर और ऐड भी होगा और कुछ माइनस भी हो सकता है, माइनस तो नहीं होगा और ऐड भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ओवरऑल 1500 किलोमीटर का भी जर्नी है, उसमें और भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जर्नी अभी हमारा और बाकी, उसके बाद जब मैं जम्मू पहुँचूँगा वहाँ पर 2 दिन का स्टे करूँगा, अपना जो जर्नी है उसको पुश करूँगा। पुश करने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि हमारा गाड़ी सही है, हमारा हेल्थ अगर सही है तो फिर इसे खींचते हुए ही फिर मैं घर की तरफ जाऊँगा, जो कि हमारा और 2000 का किलोमीटर का और जर्नी उसमें ऐड होगा। अगर सेहत ख़राब होता है या फिर गाड़ी में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो फिर हम इसको ट्रेन में लगेज करके फिर लेकर के ट्रेन से बाई ट्रेन जाएँगे। ठीक है जी, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएँ इस बहुत ही नेक कार्य के लिए, और आपकी महत्वाकांक्षा भी पूर्ण हो, क्योंकि यह छोटा कार्य नहीं, बहुत बड़े जिगर वाला और शक्ति वाला, पोटेंशियल वाला कार्य है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे जी, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी ये न्यूज़ को अगर देख रहे हैं, दिव्य हिमाचल टीवी, दिव्य हिमाचल, जो सारे पब्लिक को एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हर चीज़ आसान होता है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता है, बस आपका लक्ष्य अगर सही हो, अगर आपका सपना, आपका ईमान, अगर सब चीज़ सही हो तो एक दिन आप कामयाब हो सकते हैं। और युवाओं से यही कहेंगे कि ड्रीम्स देखिए, ड्रीम्स फुलफिल हो सकता है, ड्रीम्स ऐसा नहीं जो आप सो करके देखते हो, ड्रीम्स ऐसा जो आपको सोने ना दे, ऐसा ड्रीम्स जब आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके कदम आगे बढ़ेंगे। और शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे कि हमको भी कोई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डहर से गगन शर्मा की रिपोर्ट।